राम राम जी भाई। भाई मैं आपका अपना राजा गुजर। भाई आप सबने भी एक वीडियो देखी होगी लखनऊ की, जहां पे एक लड़की ने मतलब एक ड्राइवर को इतनी बेरहमी से मारा, बहुत ज्यादा आपने देखा भी होगा। अभी मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी जिसमें उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। उसमें वो लड़की बता रही है कि मुझको 200 लोग में से 100 लोगों ने मुझको मारा है, उस लड़की को मारा है 100 लोगों ने। भाई उसकी कंडीशन इतनी बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बोल रही है, जबरदस्त बोल रही है, कोई दिक्कत ना कैसी भी। और 100 आदमी इनसे पिटने के बाद आदमी उठे ना उठे जावे, भाई सबसे बड़ी चीज पता क्या है, मेन चीज है कि मतलब लड़की को छूट दी जाती है हमारे यहां पे, कि भाई लड़की कमजोर है, लड़की कुछ कर नहीं सकती, तो इस वजह से मतलब कोई भी लड़की से ज्यादा बोलता नहीं है, ठीक है। वो लड़की भी ऐसी मरी सी, अगर उसमें एक थप्पड़ मार देता हूं तो मैं कह रहा हूं उठती नहीं, वो चक्कर खा के गिर जाती। और वो लड़की इस तरीके से बात कर रही है मीडिया वाले के सामने कि मुझको 200 लोगों में से 100 लोगों ने मुझको मारा है। और भाई साहब उसकी वीडियो मैंने देखी थी, उसके हाथ में, जिस हाथ से उसने थप्पड़ मारे ना उस आदमी को, उस हाथ में गर्म पट्टी बंधी हुई है, इतना उसने मारा है, इतना उसको मारा है भाई साहब, उसके मतलब खुद के हाथ में चोट आ गई है। तो भाई ऐसी लड़कियों के लिए मैं भाई प्रशासन से भी और अपना सरकार से भी ये चीज कहना चाहता हूं कि जो ये गलत लड़कियां हैं ना, इनके लिए कानून होना चाहिए। हर लड़की का एक लेवल नहीं होना चाहिए कि भाई ये लड़की है तो इनके लिए एक ही मतलब सारा कानून एक सिस्टम से चलेगा। अगर देखो गलत लड़कियां गलत काम करती हैं तो उनके लिए भी सिस्टम होना चाहिए। अब इसके ऊपर FIR दर्ज करी गई है, तो इससे पूछा जा रहा है, तो ये कह रही है कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उसने। पूरी CCTV फुटेज में भी हमने भी देखे, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचारा वो ड्राइवर है, वहां से वो गुजर रही थी, उसको रोक के उसने जबरदस्ती मारा। चलो अगर उसने कुछ मतलब उसको गाड़ी तक टच नहीं हुई, पर उसे लगा कि चलो मुझे चढ़ा देता है, मुझे मार देता है, कुछ ऐसी चीज उसे लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा एक थप्पड़ मार देती, दो थप्पड़ मार देती। भाई साहब उसको इतना मारा है, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, बहुत थप्पड़ मारे हैं। और पुलिस वाला वहीं पे खड़ा था, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की को मतलब उस आदमी को बचा सके, क्योंकि प्रशासन भी मतलब इन चीजों से डरता है कि उन पे बात ना आ जाए, क्योंकि ये एक लड़की है। तो भाई कायदा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो गलत इंसान है उसको सीधा सीधा पकड़ो हाथ और पकड़ के सीधा चौकी में ले जाओ। ये नहीं है कि भाई लड़की है तो उसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते। और साथ के साथ वीडियो चलती रहनी चाहिए जिससे कि कोई लड़की किसी भी लड़के के ऊपर इल्जाम ना लगा सके गलत, क्योंकि आजकल का सिस्टम ये है कि गलत काम लड़कियां करती हैं और उसके बाद लड़के को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी वीडियो में भी काफी में देखा है, साफ ये कह देती है जी मैं तो छेड़ा छाड़ी का केस लगा दूंगी, कपड़े फाड़ दूंगी और ये कर दूंगी और वो कर दूंगी। हर आदमी ये डरता है कि भाई कहीं जाके कहीं मतलब कुछ, क्योंकि प्रशासन सब यही सोचते हैं कि भाई ये लड़की कमजोर होती है और इसके साथ इसने छेड़छाड़ करी होगी, ठीक है। आज के टाइम में भाई लड़कियां भी मतलब ये गलत कर रही हैं, वीडियो सबसे बड़ा प्रूफ है। उस लड़की ने इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे, जिन लोगों के लिए कह रही है कि 100 लोग या 200 लोगों ने मुझे मारा, वो 100-200 लोग तो उसे टच करने के लिए भी पास नहीं आए, क्योंकि वो खुद डर रहे थे कि भाई कल को ये हम पे उल्टा केस ना कर दे। तो भाई प्रशासन से भी मैं सरकार से भी यही चीज कहना चाहता हूं कि जो ये लड़कियां हैं इनको सजा होनी चाहिए, और जो इस लड़की है इसको तो 100% कम से कम 6 महीना की सजा तो होनी चाहिए भाई, जेल होनी चाहिए इसे जरूर, FIR इसकी दर्ज होनी चाहिए भैया। क्योंकि अगर यही चीज रही तो आगे चल के बहुत ज्यादा हौसला बढ़ जाएगा लड़की इनको, कि भाई जो गलत लड़कियां हैं ना वो ये समझेगी भाई जब इसका कुछ नहीं हुआ तो हम भी गलत काम करेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो भाई ये चीज होनी जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे मैंने उसकी यार वीडियो देखी, वो तो मतलब डरी नहीं थी बंदी, उसने तो उल्टा कह दिया मुझ पे अटैक होते हैं, मैं घर से बाहर जाती हूं, मैंने कितनी रिपोर्ट कर दी, कितनी वो कर दी, ये कर दी, उसने तो 100 कहानी बता दी। सीधी सी बात है भाई, वीडियो देखी, तूने थप्पड़ मारा, बात खत्म, FIR दर्ज होनी चाहिए, 6 महीने की सजा होनी चाहिए, ताकि उस लड़की को पता लग जाए कि भाई साहब किस तरीके से कैसे कानून को हाथ में लिया जाता।
उसको कोई छेड़ देता, उसको कोई मार देता तो उसको सजा है। क्यों भाई? मतलब गलत इंसान को अगर कोई रोकता है, उसमें एक भाई था बेचारा वीडियो बना रहा था, जो उसने आया उसने रोकने की कोशिश करी, भाई साहब उसके ऊपर भी हाथ छोड़ दिया उसने, साथ के साथ उसमें भी थप्पड़ मार दिया। उसकी क्या गलती थी भाई? ड्राइव उसने जबी के जबी वीडियो बंद कर दी, क्योंकि वो एक्शन ले रहा था फिर उसके साथ, और वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया। ड्राइवर था, मजबूर था, उसे पता था कि भाई अगर तूने लड़की के ऊपर हाथ उठाया या कोई ऐसी चीज रोकने की कोशिश करी, उल्टा तेरे पे केस हो जाएगा। गरीब आदमी है, पुलिस वाले फिर भैया वाई पे डंडा देते बहन चो कोई वो हो को। तो भैया इन चीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो भैया। ऐसे जो गलत लोग हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ का केस है ये, ऐसे केस और भी हो चुके हैं। तो भाई ज्यादातर इन चीजों से गलत लोगों के सह मिलता है इन चीजों से। तो भाई ये चीज होनी नहीं चाहिए, इस लड़की पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस पे कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आगे जो कोई लड़की गलत काम करती है उस पे एक्शन होना चाहिए। तो रोम रोम भाई, मुझे यही बात सबके सामने रखनी थी, क्योंकि मैंने देखी वीडियो यार, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ। मैंने कि भाई इसके पीछे तो एक वीडियो जरूर बनानी पड़ेगी भाई, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। उस गरीब आदमी का कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारा गाड़ी चला रहा था, उसका कोई कुछ उसने बोला नहीं, कुछ ऐसी चीज करी नहीं, उसके ऊपर इतने थप्पड़ मारे, इतना मतलब उसको जलील करा पूरे उसके सामने, मतलब बहुत ज्यादा बेचारा, वो कुछ कह नहीं सका, फोन तक उसका तोड़ दिया, नुकसान भी उसका इतना कर दिया। और ये तो भाई बहुत गलत लड़की थी। तो भैया रोम रोम जी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, तो कोई